हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आपको बता दें, आज हम जा रहे हैं हमायूं टॉम्ब। तो हम अभी रेडी हो गए हैं और अभी हम जा रहे हैं। चलो हमारे साथ, लेट्स गो हमायूं टॉम्ब। आ जाओ, वेट, रुको, चलते हैं। वायलेट लाइन पे आता है, मजेंटा लाइन से चेंज करना होता है आपको वायलेट लाइन के लिए। डिपेंड करता है लोग कहाँ से। हाँ, हम मुनीरका से आए थे तो हमें वायलेट लाइन से चेंज करना था। सो गेट नंबर 2 से एग्जिट करना है। तो अभी हम जा रहे हैं, मौसम बहुत ख़राब है, बारिश है, तो बाहर जाके देखेंगे। हम आए थे व्लॉग बनाने पर मौसम तब थोड़ा थोड़ा ख़राब था, लेकिन अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, बारिश हो रही है। गर्मियों की खारिश और दिल्ली की बारिश, वाह वाह, अपना ही मज़ा है। कितनी गंदी शायरी करता है यार। बारिश का चलो तो चलते हैं। तो हमने लिया ऑटो, मेट्रो स्टेशन से बाहर आते ही आपको ऑटो मिल जाएंगे। ओबियस आप कहीं भी जाओगे किसी भी लोकेशन पर तो मेट्रो के बाहर ऑटो खड़े ही होते हैं। तो यहाँ पे 20 रुपीज़ पर पर्सन ले रहे हैं वो। तो ठीक है, अभी हम ऑटो में बैठ गए तो जा रहे हैं। चलो हमारे साथ। तो हम अभी यहाँ पे एंट्रेंस गेट पे हैं हमायूं का मकबरा। यहाँ से ली हमने एंट्री, तो अभी हम जा रहे हैं अंदर। किस तरफ से? मां के स्टार्ट कर दी। अच्छा, तो हमायूं टॉम आ गए। और ये है हमायूं का मकबरा, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था हम आज कहाँ जाने वाले हैं। तो हाँ, पहले बताया था, इनको फोन किया था सबको सबको फोन भी बताया था, मतलब इंट्रो में पता चल गया। हाँ, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अब ट्रैक साइड World Heritage Site, man. World Heritage Site. सही लग रहा है आज तो यार, कसम से। हाँ, thank you. मैं किससे कम नहीं लग रही। ये करना जरूरी नहीं था। तो लड़की लड़कियों की तरह करना पड़ता था। मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। शुक्र है हमायूं नहीं था ये देखने के लिए। तो अच्छा हुआ हमायूं मर गया। अच्छा हुआ, वक्त के साथ चल गया। हाँ, बगीचे के दीवार के 2 उत्तरी भुर्ज गुंबदी छतरियों से thank you.
ये जो है ना पर्शियन आर्किटेक्चर है ना, हाँ उन्होंने बनाया था। अच्छा, किसके कहने पे? हुमायूं की जो वाइफ है, हाँ हाजी बेगम कहते हैं उन्हें। अच्छा, इम्प्रेस हाजी बेगम। ओके ओके, जो दो पर्शियन आर्किटेक्चर थे ना, एक का नाम था ग्यास, मिर्जा ग्यास, और उनका बेटा सैयद मोहम्मद। किसको फोन कर लिया तूने? मेरी किस्मत। बैक साइड के यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आगे बहुत बड़ा पार्क है। एकदम से आप देखो कितना अच्छा, काफ़ी ब्रॉड एरिया और काफ़ी ज़्यादा ओपन स्पेस है यहाँ पे आगे। और आज मौसम थोड़ा ख़राब है सो इसीलिए आपको थोड़ा मतलब विजिबिलिटी भी यहाँ पे थोड़ी कम ही है। चलो देखो, और यहाँ पे जैसे कि पहले फायर के 157 मुस्लिम्स जो हैं यहाँ पे उनकी ग्रेव्स हैं, बरीड हैं वो यहाँ पे।
हुमायूं टॉम्ब बताने के बाद अभी हम आपको लेके चलेंगे ईसा खान गार्डन टॉम्ब में। ताजमहल इसकी कॉपी ऐसा बोल सकते हैं। ये ताजमहल 20 साल के बाद बना था, इसके 20 साल बाद ताजमहल बना, मतलब बहुत बहुत अच्छा है। और ये आई थिंक 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी वो ये कि अगर आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे टिकट्स के लिए बहुत लंबी लाइन होती है, तो ASII करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके साइन अप कर सकते हो और टिकट्स ऑनलाइन बुक कर सकते हो, सो आपके लिए इजी रहेगा। हमने इस बार यहाँ पे काफी लाइन, हमने इस बार ये किया, इस बार हमने टिकट अपनी, इस बार हमने ऑनलाइन टिकट बुक की थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम कुतुब मीनार गए थे वहाँ पे हमको लाइन में खड़ा होना पड़ा था काफी टाइम तक। बारिश आ गई है और अभी हम इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, चलते हैं। अगर आपको ब्लॉग में मजा आया प्लीज ब्लॉग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बारिश आ गई है, मौसम बहुत खराब हो रहा है, चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड।